जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की तीसरी सूची गुरुवार को धनबाद में जारी की गई। ये सूची पार्टी के केंद्र प्रवक्ता सुशील मंडल ने जारी की है। उन्होंने दावा किया है कि अन्य बचे जगहों की सूची भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। बताया कि जेएलकेएम के सभी उम्मीदवार बहुत सामान्य लोग हैं। तीसरी सूची के मुताबिक सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो उम्मीदवार होंगे, घाटशिला से रामदास मुर्मू, पोटका से भागीरथ हांसदा, जमशेदपुर पूर्वी से तरुण कुमार दे, महागावा से जवाहरलाल यादव, कांके से फुलेश्वर बैठा, जरमुंडी से राजीव यादव, परैया हाट से प्रवीण कुमार महतो उम्मीदवार होंगे। जयराम महतो की पार्टी ही पहली पार्टी है जो उम्मीदवारों की तीसरी सूची आज जारी की है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। झारखंड में चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आज जयराम महतो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन पार्टी के केंद्र प्रवक्ता ने 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। आप भी सुनिए और उन्होंने क्या कहा। आज के इस प्रेस वार्ता में हम आगामी विधानसभा की तीसरी सूची जो जेएलकेएम की तरफ से आने वाली है, उसके लिए आज प्रेस वार्ता रखा गया है। देखिए, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, जो 7वीं 8वीं में आप सबने पढ़ा है, पर इसमें एक शब्द मिसिंग था, फॉर द कॉमन पीपल। तो आज जयराम महतो जी ने एक आम आदमी को, चाहे आप राजमहल के कैंडिडेट को पारा शिक्षक को देख लीजिए, चाहे आप जयराम महतो जी को नहीं देख लीजिए, सब एक आम आदमी किस प्रकार से राजनीति में एक नया परिदृश्य ला सकता है, कैसे राजनीति की दुनिया में कैसे नया भूचाल ला सकता है, इसका परिचायक जेएलकेएम है। आज इस प्रेस वार्ता में हम कुछ प्रत्याशियों का नाम का घोषणा करेंगे। सबसे पहले क्रमांक संख्या 61 सिल्ली विधानसभा से हमारे छात्र नेता, कोई परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं, देवेंद्रनाथ महतो जी हैं सिल्ली विधानसभा से। अगला क्रमांक संख्या 45 घाटशिला से, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम आता है, रामदास मुर्मू जी हैं। आगे पोटका से, जो ईस्ट सिंहभूम ही पड़ता है, वहाँ से भागीरथ हांसदा जी हैं। उसके बाद क्रमांक संख्या 48 भागीरथ हांसदा, जमशेदपुर ईस्ट से आपका तरुण कुमार डे हैं, महागामा से काफ़ी चर्चित चेहरा है उस क्षेत्र के, जवाहरलाल यादव जी हैं, कांके से महागामा से जवाहरलाल यादव जी, और जमशेदपुर ईस्ट से आपके तरुण कुमार डे। उसके बाद कांके से हमारे जो रांची जिला पड़ती है और क्रमांक संख्या 65 है, वहाँ से फुलेश्वर बैठा जी हैं, जो एससी समाज से हैं। उसके बाद आगे जरमुंडी से हमारे राजीव यादव जी दुमका जिला से जो आते हैं, और पुरैया हाट से, जो हमारी आज की सूची की आखिरी नाम है जिनका, पुरैया हाट से प्रवीण कुमार महतो जी हैं, जो गोड्डा जिला से हैं, उनका क्रमांक संख्या 16 है। आज के कितने हुए पहले के? पहले अभी तक 20 लोगों का हो चुका है, और आज आपका 7 और हो गया, मतलब 8 मतलब टोटल हमारे 28 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। टोटल कब तक सूची जारी करने की? देखिए, वो हो सकता है आज रात को भी हो सकती है, हो सकता है ऑनलाइन मीडियम से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, हो सकता है कल सुबह हो, लेकिन जल्दी से जल्दी हम लोग, बड़का गांव पर चिंतन मंथन चल रहा है, हो सकता है आज रात तक हम उसे क्लियर कर दें, कल सुबह कर दें। बड़का गाँव काफ़ी हॉट सीट है, तो उस पर डिस्कशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बागमारा अभी तक आया नहीं? बागमारा भी आप अगले सूची में बागमारा को देख सकते हैं। बेरमो भी आपका अगले सूची में ही रहेगा। लगभग जयराम जी के दूसरे सीट पर हम मांडू और गोमिया पर डिस्कशन चल रहा है, इन दोनों में से जो भी हो। देखिए, विरोध जो हुआ है ना, विरोध जनता के नहीं, देखिए सर, जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ है, चूँकि विरोध राजनीतिक कोई भी राजनीतिक पार्टी में स्वाभाविक है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, देखिए आप धनबाद से नहीं नहीं, किसी भी पार्टी में जब टिकट की घोषणा होती है तो विरोध स्वाभाविक है, आप धनबाद से ही देख सकते हैं। जब ढुल्लु महतो जी को टिकट मिला तो उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग विरोध कर रहे थे, तो विरोध स्वाभाविक है। दो चार दिन में वो आपसी तालमेल बैठा कर हम आगे निकल चुके हैं। अभी देखिए, किसी भी प्रकार का राज्य में कोई विरोध नहीं है। सूची में है, अभी तक किसी प्रकार का कंफर्मेशन नहीं है, उस पर चिंतन मंथन चल रहा है। जयराम
निशा से अशोक जी का चांसेस है, अभी हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, चूँकि इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ की जो कमेटी है उनसे डिस्कशन होगा, उसके बाद ही हम इस पर बात कर सकते हैं। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से जो है पुराने जो घोषित किए हैं उसके बाद जो है जेएमयू के जो आपकी पार्टी है उसी पार्टी से एक निर्दलीय से जो है खड़ा हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो अति महत्वाकांक्षी वाले लोग हैं हर पार्टी में रहते हैं, तो कहीं जाकर अगर निर्दलीय खड़ा होते हैं तो उससे पार्टी के विचारधारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। धनबाद विधानसभा हम जीत रहे हैं, क्योंकि आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं किस प्रकार इखलाक अंसारी जी को धनबाद लोकसभा से 78,000 वोट मिलकर सबको चौंकाने वाला ये रिजल्ट था, तो सपन कुमार मोदक जी भी चमकाने वाले हैं, सबको चौंकाने वाले हैं। राजा दास जी को कोई सीट मिलेगी क्या? देखिए, राजा दास जी को अगर लड़ने की इच्छा होगी तो ज़रूर मिलेगी। अभी तक उन्होंने पर्चा नहीं भरा है, जो हमारे जो संगठन का जो प्रक्रिया था उसमें उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था। वो पुराने संघर्ष में रहे हैं। संघर्ष में तो हर कोई रहा, हम भी रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो संघर्ष में रहे वो चुनाव ही लड़े। मैं भी नहीं लड़ रहा हूँ, मैं भी संघर्ष में रहा हूँ। संघर्ष के साथ ही छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जी हैं, घाटशिला से रामदास मुर्मू जी हैं, पोटका से भागीरथ हांसदा जी हैं, जमशेदपुर से तरुण कुमार दे हैं। क्योंकि कहा जाता था हम मतलब अलग समुदाय से हमारे पार्टी में नहीं है, तो देख सकते हैं इस लिस्ट में आप देख सकते हैं हर एक समुदाय के ऊपर ध्यान रखा गया, तो हर समुदाय और हर समाज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद महागामा से हमारे जवाहरलाल यादव जी हैं, और जरमुंडी से हमारे राजीव यादव जी हैं, कांके से फुलेश्वर बैठा जी हैं, और पोरेयाहट से हमारे प्रवीण कुमार महतो जी हैं। टोटल यहां पर 8 लोगों की सूची है, और आने वाले 24 घंटे में लगभग 2 से 3 सूची और निकलेगी जिसमें सारे प्रत्याशी रहेंगे।